हेलो एवरीवन, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी फ्रेश लोबिया का मसाला वड़ा। तो आज जब मैं मार्केट गई थी तो वहाँ पर बहुत ही बढ़िया फ्रेश लोबिया आया हुआ था, जिसको हम झुरगा भी कहते हैं। इसका मसाला वड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है। आपने वैसे तो बहुत सारे वैरायटी के वड़े खाए होंगे, पर ये वड़ा जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में मैं प्याज भाजी लेकर आई थी, जिसको स्प्रिंग ऑनियन भी कहते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था। और इसको क्या है, फ्रिज में रखने से ये सूख जाता है। तो आज मैं इन दोनों की ही रेसिपी बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज भाजी को अच्छे से क्लीन कर लिया। सबसे पहले हम इसको ही बनाकर रेडी कर लेंगे। और आपको पता ही होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी रहता है, तो मैंने उसको अच्छी तरह से धो के इसका जो कांदा है उसको अच्छे से क्लीन करके छील लिया था। तो अभी हम इन सारे भाजी को बारीक बारीक कट कर लेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में पत्ते का जो भी साग रहता है उसको भाजी कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेश था। तो फ्रेश में अगर हम इसको बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अभी यहाँ पर मैं भाजी को अच्छे से कट करके रेडी कर ली हूँ, और एक प्याज का जो डंडी है उसको मैंने बचा लिया। मैं इसका क्या करना है बाद में आपको बताती हूँ। तो अभी हम एक कुकर लेंगे, और यहाँ पर मैं इसमें एक कप तुअर की दाल ले रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह में चने का दाल भी ले सकते हैं। और अभी हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे पाउडर्स वगैरह डला रहता है। तो हम उसको अच्छे से रगड़ के धो के निकाल लेंगे। इस तरह से दो तीन बार हम अच्छे से इसको धोएंगे तो ये धुल जाता है। तो अभी हम एक कप दाल के हिसाब से इसमें दो कप पानी डाल देंगे, और उसके बाद हमने जो भाजी कट करके रखे थे उसको इसमें डाल देंगे। जो भाजी है बहुत ही जल्दी पककर तैयार होता है, सिर्फ दो सीटी में ही ये पककर रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं इसमें दो टमाटर डाल दूंगी इस तरह से रफली चॉप करके, क्योंकि ये सीटी जब लगेगा तो पक जाएगा। और एक मैं इसमें डाल दूंगी हरी मिर्ची इस तरह से बीच से तोड़ के। आप चाहे तो मिर्ची ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और अभी ये क्या है, कुकर भरा हुआ है तो हम डायरेक्ट ढक्कन नहीं लगाएंगे। अभी मैं इसमें नमक डाल दूंगी डेढ़ चम्मच के करीब, और आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल के गैस को ऑन कर देंगे। जैसे हम गैस को ऑन करेंगे भाजी जो पक जाएगा और ये कम हो जाएगा, उसके बाद हम इसका ढक्कन लगा के दो सीटी आने तक पका लेंगे। तो अभी यहाँ पर लोबिया को इस तरह से मैंने आधा छील लिया था, और थोड़ा सा बचा हुआ था। आप देख सकते हैं इस तरह से फ्रेश लोबिया मार्केट में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और अगर आपके पास ये फ्रेश वाला लोबिया नहीं है तो आप जो मार्केट में नॉर्मल ड्राई वाला मिलता है वो ले सकते हैं। उसको ओवरनाइट के लिए आप सोक करके फिर ग्राइंड करके सेम इसी मेथड से वड़ा तैयार कर सकते हैं। अगर फ्रेश वाला लोबिया मिल जाए ना तो आपको सोक करने का झंझट ही नहीं रहता है, तो ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने सारे लोबिया को छीलकर इस तरह से क्लीन कर लिया है। तो अभी मैं क्या करूँगी कि जो वड़े में हम मसाले डालेंगे उसको कट कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर धनिया को बारीक कट कर लूँगी, दो प्याज लिए हैं जिसको भी हम बारीक कट कर लेंगे, और जो हमने स्प्रिंग ऑनियन लिए थे उसको भी हम इसी में डालने के लिए रखे थे। तो अभी हम इस प्याज की भाजी को भी बारीक बारीक इस तरह से कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची को भी बारीक कट करके डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं तो हरी मिर्ची को कट करके ना डालें, क्योंकि उसके मुँह में आ जाएगा तो उन लोग को बहुत ज़्यादा तीखा लगेगा। तो यहाँ पर हम मिक्सर जार ले लेंगे, और मिर्ची को मैं यहाँ पर कट करके नहीं डाल रही हूँ, इसलिए एक मिर्ची और छोटा सा अदरक ग्राइंड कर देंगे। इससे क्या है, मिर्ची मुंह में नहीं आएगा लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो अभी यहाँ पर मैंने एक कप फ्रेश लोबिया ले लिया है, इसको हम बिना पानी के क्रश कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे दो से तीन चम्मच के करीब, और उसको फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, तो हम इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अभी उसी जार में यहाँ पर मैं एक कप और लोबिया ले रही हूँ, और इसको हम बिना पानी के दरदरा ग्राइंड कर लेंगे, और अभी हम इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से क्या है, जिसको हमने ज़्यादा पीसा है लोबिया उससे बाइंडिंग अच्छा आता है, और जो दरदरा पीसे वो जब हमारे मुंह में आता है तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तो हमने जो मसाले कट करके रखे थे अभी उसको भी इसमें डाल देंगे दो चम्मच के करीब। यहाँ पर मैं इसमें चावल का आटा डाल रही हूँ एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, मैं यहाँ पर इसमें नमक डाल रही हूँ, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, क्योंकि हमने ग्रीन चिली ज़्यादा नहीं डाले हैं, और आधा छोटा चम्मच मैंने सौंफ डाल दिया है। और अभी हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर से 15 से 16 वड़ा बनकर तैयार होगा। अगर आपको ज़्यादा वड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा लोबिया ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो मैंने एक कढ़ाई में ऑलरेडी तेल डाल के रख लिया था, तो इसको हम गैस के ऊपर रख के गरम कर लेंगे। और जब तक हमारा जो ऑयल है वो गरम हो रहा है तब तक हम भाजी को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दो सीटी लगाने से ये कितना बढ़िया पककर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसका तड़का रेडी कर लूँगी। तो तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई लेके उसमें दो चम्मच के करीब हम तेल डाल देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच सरसों, चार से पाँच कुटी हुई लहसुन की कलियाँ,
और लहसुन को हम खुशबू आने तक अच्छे से भून लेंगे। जैसे ये भून जाएगा इसमें मैं डाल दूंगी एक सूखी लाल मिर्ची, और मिर्ची थोड़ा सा भून जाने के बाद हमने जो भाजी पका के रखे थे उसको डाल देंगे। और यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम हाई में रख दूंगी ताकि थोड़ा बहुत जो इसमें पानी दिख रहा है वो भी अच्छे से ड्राई हो जाए, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो चुका है। और इधर हमारा जो तेल है वो भी गर्म हो गया है, तो एक कटोरी में मैंने पानी ले लिया है, और अभी दोनों हाथों में हम अच्छे से पानी लगा लेंगे ताकि जो वड़ा का मिक्सचर है वो हमारे हाथों में चिपके नहीं। और इस तरह से हम वड़ा को बना के इसमें डाल देंगे। इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम मीडियम में रखेंगे, नहीं तो वड़ा क्या है ऊपर से जल जाएगा, और ये फ्रेश लोबिया है तो ये पकने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो गैस का फ्लेम हम मीडियम में रख के इसको अच्छे से दोनों साइड से पलट पलट कर सेक लेंगे। तो इसी तरह से मैं इसमें और वड़े डाल दूँगी। कढ़ाई में जितना तेल है उसके हिसाब से आप इसमें वड़ा डालिएगा, बहुत ज़्यादा वड़ा नहीं डालना, नहीं तो ये क्या है एक के ऊपर एक चिपक जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या है छोटा कढ़ाई लिया हुआ है, तो एक बार में मैंने सिर्फ चार वड़े डाले हैं, और अभी हम दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से पलटते जाएंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई में नहीं करना है, और आप देख सकते हैं कि थोड़ी ही देर में इसमें कितना बढ़िया कलर आ चुका है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के वड़ों को भी बनाकर रेडी कर लेंगे। और सभी वड़ों को फ्राई कर करके हम प्लेट में किचन टावल में इस तरह से निकाल के रख लेंगे। और अभी मैंने सारे वड़े को फ्राई करके रख लिए हैं, तो तीन से चार हरी मिर्ची को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे। आपने देखा होगा कि मार्केट में वड़ा के ऊपर किस तरह से हरी मिर्ची और करी पत्ता को डाल के रखते हैं, तो अभी करी पत्ता भी इसमें डाल के इसको ढक देंगे। आप इस काम को ढक कर ही कीजिएगा, नहीं तो हाथ जल जाएगा। और हमने हरी मिर्ची इसमें ज़्यादा नहीं डाले, तो किसी को अगर ज़्यादा तीखा खाना है तो आप हरी मिर्ची और वड़ा के साथ में उनको सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वड़ा को देख के एकदम से मुंह में पानी आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको एक वड़ा लेकर दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बना है। आप इसका साउंड सुन सकते हैं, ये दोनों तरफ से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। आपको मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो अभी हम इस गर्मा गर्म वड़ा को जो हमने भाजी बनाए थे, तो भाजी राइस और वड़ा को सर्व करेंगे। और अगर आपने कभी भाजी भात नहीं खाया होगा तो इस तरह से इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। भाजी भात और इसके साथ ये वड़ा का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। छत्तीसगढ़ में इस तरह से लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। और साथ ही में मैंने गाजर टमाटर और गांठ गोभी का सैलेड रेडी किया था, उसको भी हम इसमें रख देंगे। और यहाँ पर हमारा बहुत ही स्वादिष्ट थाली बनकर रेडी है, तो सभी लोग खाने के लिए वेट कर रहे हैं, तो फटाफट से मैं उनको सर्व करती हूँ। और अभी आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।